नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत। नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, लेकिन उस प्रश्न पत्र को लीक कराने वाले जो सॉल्वर गैंग हैं या फिर माफिया गैंग हैं, उनकी पहुंच बिहार सरकार में कितनी बड़ी है, उनका रसूख कितना बड़ा है कि अपने अभ्यर्थियों को वो सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराने का प्रबंध कर देते हैं। देखिए, ये अच्छी बात है कि भाई पूरा पैकेज लिया है जब 35-40 लाख रुपए में कि मैं नीट पास करा दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, तो ठहरने का भी व्यवस्था उन्होंने अच्छा किया और सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया, एनएच के गेस्ट हाउस में। अनुराग यादव, जिसका प्रमाण हम आपको दे रहे हैं, रजिस्टर में नाम दर्ज है, लेटर नंबर 440 और सामने कोस्ट में लिखा हुआ है मंत्री जी। अब ये मंत्री जी कौन है, किसका, किसके लेटर पर, पत्रांश संख्या 440 पर अनुराग यादव को एनएच गेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति मिली या व्यवस्था हुई? एक और आयुष राज भी उसी गेस्ट हाउस में, यानी कि एनएच के गेस्ट हाउस में जो कि पटना एयरपोर्ट के ठीक सामने है, वहां पर उनको ठहराया गया था। आखिर कौन है वो मंत्री, सवाल ये एक बड़ा उभर कर सामने आ रहा है कि किसके रिकमेंडेशन पर इन अभ्यर्थियों को वहां पर ठहरने की व्यवस्था की गई। देखिए, ये अनुराग यादव या फिर आयुष राज, इसके अलावा दो और नाम जो है, अभिषेक कुमार और शिवनंदन कुमार, ये चारों अभ्यर्थी 5 मई को जो नीट की परीक्षा हुई उसमें ये परीक्षार्थी थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि जिस सॉल्वर गैंग के जरिए ये परीक्षा दे रहे थे, उन्हीं सॉल्वर गैंग को एक सफेद डस्टर गाड़ी में पटना में परीक्षा केंद्रों पर विचरण करते हुए संदिग्ध अवस्था में पटना पुलिस की नजर पड़ी और बेली रोड पर उसे, उस गाड़ी को रोककर उनसे पूछताछ की गई और गाड़ी की तलाशी ली गई, तो इन चारों अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड के फोटोकॉपी उस गाड़ी में मौजूद थे। उस गाड़ी में सिकंदर यदुवंशी, जो कि किंग पिंग है इस पूरे मामले का, प्रश्न पत्र लीक का, वो भी मौजूद था और 2 और लोग भी थे, यानी कि 3 लोग गिरफ्तार हुए। हालांकि अभी तक कहा जाए तो आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही है और 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब आते हैं कि जो सिकंदर यदुवंशी है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। ये बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर है, पहले सिंचाई विभाग की सेवा है इसकी, लेकिन अपने रसूख के जरिए ये नगर विकास विभाग में आ गया और इस इलाके में, या कहें कि पहले तो अरवल और जहानाबाद के इलाके में इसकी पोस्टिंग हुई, फिर बाद में दानापुर, बीहटा, मसौढ़ी में भी पोस्टिंग हुई और अंत में तो पटना मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी जूनियर इंजीनियर का, मतलब पूरा इंचार्ज था ये, और इसकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होता था, इतना रसूखदार। तो मंत्री से पत्र लिखवाकर अपने अभ्यर्थियों को एनएच के गेस्ट हाउस में रुकवाना, इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? लेकिन सवाल ये उठता है कि वो मंत्री हैं कौन, ये नाम सामने आना चाहिए, इसकी भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं और जल्दी ही वो नाम भी सामने आ जाएगा कि आखिर। लेकिन जो सिकंदर यदुवंशी है, इसकी सरकार में बहुत पहुंच है और ऊंचे रसूख वाला है ये निश्चित तौर पर। हालांकि ये रहने वाला समस्तीपुर का है, लेकिन इसका पूरा परिवार रांची में रहता है। और अभिषेक यादव से जब इस मामले की पूछताछ हुई सिकंदर यदुवंशी से, तो ये सारा मामला सामने आया जिसमें ये कहा गया कि अभिषेक यादव के रिश्तेदार ने उससे पहले संपर्क किया था और उसने बताया था कि वो नीट की परीक्षा या बीपीएससी की परीक्षा
पैसे लेकर पास करवाता है, 35-40 लाख के खर्च होते हैं। और इसी आधार पर ये चार जो अभ्यर्थी हैं ये संपर्क में आए और ये पूरा प्लान बना। बाद में लर्न वाइज हॉस्टल जो रामकृष्ण नगर में है वहाँ पर 20-25 की संख्या में अभ्यर्थी थे, उनको रटाया गया, प्रश्न पहले ही परीक्षा से पहले ही प्रश्न और उत्तर रटाए गए और उसके बाद ये सारा कुछ मामला निकलकर सामने आया है। लेकिन इसमें दुखद पहलू ये है कि इस परीक्षा को कंडक्ट कराने वाले जो संस्था है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी तरफ से जांच में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, या यूं कहें कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच नहीं कर रही। हालांकि ये देश भर का पूरे देश में एक साथ इसकी परीक्षा होती है, गुजरात में भी कुछ मामले आए हैं मनपसंद सेंटर चुनने के, बिहार में तो मामला आया ही है। तो निश्चित तौर पर ये काफी एक गंभीर मामला है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कि इसकी जांच हम कराएंगे, लेकिन अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है। निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए, पर यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये सिकंदर यदुवंशी का रसूख बिहार सरकार में इतना ज्यादा क्यों है, एक अदना सा जूनियर इंजीनियर इतना बड़ा कैसे हो सकता है, और किस मंत्री के रिकमेंडेशन पर अभिषेक यादव या फिर आयुष राज को, अनुराग यादव अपनी मां के साथ NH में रुका हुआ था और आयुष राज अपने पिता के साथ, तो किसके रिकमेंडेशन में, कौन है वो मंत्री जी, तो लिखा हुआ है कि मंत्री जी, लेकिन कौन है वो मंत्री ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि जिस प्रकार की सांठगांठ चल रही है और तमाम परीक्षाएं जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें प्रश्न पत्र लीक होता ही होता है, कोई ना कोई धांधली होती ही होती है, ये निश्चित तौर पर उन परीक्षार्थियों के लिए घोर अन्याय है जो मेहनत करके आते हैं परीक्षा देने, लेकिन ये सॉल्वर गैंग पैसों के बल पर उनके भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले विधानसभा सत्र में एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जो प्रश्न पत्र लीक कराने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। अब देखिए इस कानून के बाद क्या यह सिलसिला रुकता है, ये देखना होगा, लेकिन NTA को इसकी जांच करानी चाहिए और साथ में यह भी पता लगना चाहिए कि मंत्री जी जो लिखा हुआ है 440 पत्रांग पत्र संख्या उसके आगे मंत्री जी, वो मंत्री कौन है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।